सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। अथ प्रथमा समुलासारंभ। शन्नो मित्रः शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्ना इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शांति शांति शांति। यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि इसमें जो आ उ तथा म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे अकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भा, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ आदि नामों का वाचक और ग्राहक है उसका। ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं। परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैदिक शास्त्र में शुंठी आदि औषधियों के भी ये नाम हैं या नहीं? हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं? आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूँ। क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याजता इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन के पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान ना जानना चाहिए, क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसा ही आपका कथन हुआ, क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है। जो आप ऐसा कहें कि हे भृत्य त्वम सैंधवम आनया
अर्थात तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है, क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े, और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है। और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े की लाने का क्या प्रयोजन था, तू प्रकरणविद नहीं है। नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता, जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। अथ मंत्रार्थ। ओम खम ब्रह्मा। ओम आदि नाम सार्थक हैं, जैसे अवतीत्योम आकाशमीवा व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो बृहत्वाद् ब्रह्म। रक्षा करने से ओम, आकाशवत व्यापक होने से खम, और सबसे बड़ा होने से ब्रह्म, ईश्वर का नाम है। ओम इत्येतदक्षरमुदगीतमुपासीता, जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्। सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा है, अन्य सब गौणिक नाम हैं। सर्वे वेदा यत पदा मामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। क्योंकि सब वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्रवण जिसका कथन और मान्य करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य आश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। प्रशासितारं सर्वेशामणीयासामणोरपि रुक्माभं स्वप्नधिगम्यं विद्यातं पुरुषं परम्। जो सबको शिक्षा देने हारा सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। एतमग्निं वदन्ते येके मनु मन्ये प्रजापतिं इन्द्रमेके परे प्राणामरे ब्रह्म शाश्वतम्। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, विज्ञान स्वरूप होने से मनु, सबका पालन करने से प्रजापति, और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। स ब्रह्मा स विष्णु स रुद्रस्य शिवस्योऽक्षरस्य परमः स्वराट्। स इन्द्रस्य कालाग्निस्य चन्द्रमाः। सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र, मंगलमय
और सबका कल्याण करता होने से शिव यह सर्वामश्नुति न शरति न विनश्यति तद अक्षरम यह स्वयं राजति स स्वराट यो अग्निरिवा कालः कलीता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी स्वयं प्रकाश स्वरूप और प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम काल अग्नि है। इंद्रम मित्रम वरुणाम अग्निमाहुरथो दिव्यः सा सुपर्णो गुरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निम यमम मातिरश्वानमाहु जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि कर्माणि वा यस्य सः यो गुर्वात्मा स गुरुत्मान् यो मातरिश्वा वायुरिवा बलवान् स मातरिश्वा जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं, जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है, जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गुरुत्मान और मातिरिश्वा ये नाम हैं। भूरसी भूमिरस्य दितिरसी विश्वाधाया विश्वस्य भुवनस्य धरत्री पृथ्वीं यच्च पृथ्वीं द्रिवं पृथ्वीं माहिवंसि भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमिः जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। इंद्रो मन्हारोदसी प्रापथच्छवा इंद्रः सूर्या मरोचयात् इंद्रेह विश्वा भुवनानि येमिरा इंद्रे स्वानास इंदवः इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे ही परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अग्नि आदि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है, जैसा कि व्याकरण निरुक्त ब्राह्मण सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति प्रार्थना उपासना सर्वज्ञ व्यापक शुद्ध सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत तेन देवा अयजन्त पश्चाद्भूमिमथो पुरः तस्माद्वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वायोरग्निः अग्निरापः अद्भयाः पृथिवी
पृथिव्या औषधयः औषधीभ्योन्नम् अन्नाद्रेतः रेतसः पुरुषः सा वा एषा पुरुषो नरसमयः। ऐसे प्रमाणों में विराट पुरुष देव आकाश वायु अग्नि जल भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति स्थिति प्रलय अल्पज्ञ जड़ दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं। इसी से यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण ना होके सांसारी पदार्थों का ग्रहण होता है, किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है वह इस प्रकार जानो। अथ ओंकारार्थः वि उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तौ, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। यो विविधं नामाचराचरं जगद्राजयति प्रकाशयति स विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। अंचु गति पूजनयोः अग अगी इन गत्यर्थ का धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। गते स्त्रयो अर्थाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति पूजनं नाम सत्कारः योंचति अच्यते गत्यं गत्येति वासोयम् अग्निः। जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम अग्नि है। विषा प्रवेशने इस धातु से विश्व शब्द सिद्ध होता है। विंशन्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशादीनि भूतानि यस्मिन् यो वाकाशादीषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः। जिसमें आकाश आदि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्व है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार मात्र से होता है। ज्योतिर्वै हिरण्यम् तेजो वै हिरण्यमित्यैतरेय शतपथ ब्राह्मणे य हिरण्यानाम् सूर्यादीनाम् तेजसाम् गर्भ उत्पत्ति निमित्तमधिकरणम् स हिरण्यगर्भः। जिसमें सूर्य आदि तेज वाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्य आदि तेज स्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम हिरण्यगर्भ है। इसमें यजुर्वेद के मंत्र का प्रमाण है। ओम
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। इत्यादि स्थलों में हिरण्यगर्भ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। वा गति गंधनयो हो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गंधनम हिंसनम यो वाति चराचरं जगद्धरति बलिनां बलिष्ठः सा वायुः। जो चराचर जगत का धारण जीवन और प्रलय करता और सब बलवानों से बलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम वायु है। तिजा निशानी, इस धातु से तेजः और इससे तद्धित करने से तेजस शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयं प्रकाश और सूर्यादि तेजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम तेजस है। इत्यादि नामार्थ उकार मात्र से ग्रहण होते हैं। ईश ऐश्वर्य, इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। या ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्तते स ईश्वरः। जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। दो अवखंडने, इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। अवखंडनम नाम विनाशः न विद्यते विनाशो यस्य सोयम् अदितिः अदितिरेवा आदित्यः। जिसका विनाश कभी ना हो, उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। ज्ञा अवबोधने, प्रपूर्वक इस धातु से प्रज्ञा और इससे तद्धित करने से प्राज्ञा शब्द सिद्ध होता है। यः प्रकृष्टया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः, प्रज्ञा एव प्राज्ञः। जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहित होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। जो शन्नो मित्रः शंबरुणः, इस मंत्र में मित्र आदि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति प्रार्थना उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण कर्म स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य कोई ना हुआ, ना है और ना होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे परमेश्वर के सत्य न्याय दया सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्व आदि अनंत गुण है, वैसे ही अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं है। जो पदार्थ सत्य हैं, उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना
और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी ना करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की, वैसे ही हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा। मित्र आदि नामों से सखा और इंद्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। यहाँ उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इससे मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, ना किसी का शत्रु और ना किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। हाँ, गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से सुहृदय आदि मनुष्यों का ग्रहण होता है। मिदा स्नेहने इस धातु से औण आदि का कित प्रत्यय करने से मित्र शब्द सिद्ध होता है। मेत्यति स्नेयति स्नेयते वास मित्रः, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम मित्र है। व्रीय वर्णी वर्णा इप्सायाम, इन धातुओं से उणादि उनुन प्रत्यय होने से वरुण शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान् शिष्टान् मुमुक्षुन् धर्मात्मनो वृणोत्यत्वा यह शिष्टैर् मुमुक्षुभिर् धर्मात्मभिर् व्रियते वर्यते वासा वरुणः परमेश्वरः। जो आत्मयोगी विद्वान् मुक्ति की इच्छा करने वाले मुक्त और धर्मात्माओं का स्वीकार करता अथवा जो शिष्ट मुमुक्षु मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर वरुण संजक है अथवा वरुणो नामा वराह श्रेष्ठः। जिसलिए परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसका नाम वरुण है। ही गति प्रापणयो हो, इस धातु से यत प्रत्यय करने से आर्या शब्द सिद्ध होता है और आर्य पूर्वक मांग माने इस धातु से कनिन प्रत्यय होने से आर्यमा शब्द सिद्ध होता है। योर्यान स्वामिनो न्यायधीशान मीमीते मान्यान करोति सौर्यमा, जो सत्य न्याय के करने हारे मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करने वालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत सत्य सत्य नियम करता है, इसी से उस परमेश्वर का नाम अर्यमा है। इदि परमेश्वर्ये, इस धातु से रन प्रत्यय करने से इंद्र शब्द सिद्ध होता है। य इंदति परमेश्वर्यवान भवति सा इंद्रः परमेश्वरः, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है, इससे उस परमात्मा का नाम इंद्र है। बृहत शब्द पूर्वक पारक्षणे इस धातु से डति प्रत्यय बृहत के तकार का लोप और सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है।
यो बृहितमाकाशादीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः। जो बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशादि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। विश्रे व्याप्तौ इस धातु से नु प्रत्यय होकर विष्णु शब्द सिद्ध हुआ है। वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरं जगत् स विष्णुः। चर और अचर रूप जगत में व्यापक होने से परमात्मा का नाम विष्णु है। उरुर महान क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः। अनंत पराक्रम युक्त होने से परमात्मा का नाम उरुक्रम है। जो परमात्मा महापराक्रम युक्त सबका सुहृत अविरोधी है, वह सुखकारक, वह सर्वोत्तम सुख स्वरूप, वह सुख प्रचारक, वह सकल ऐश्वर्यदायक, वह सबका अधिष्ठाता विद्याप्रद और सब में व्यापक परमेश्वर है, वह हमारा कल्याण कारक हो। वायुति ब्रह्मणे नमोस्तु। बृह ब्रीही वृद्धौ इन धातुओं से ब्रह्म शब्द सिद्ध हुआ है। जो सबके ऊपर विराजमान सबसे बड़ा अनंत बल युक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। आप ही अंतर्यामी रूप से प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। मैं आप ही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा, क्योंकि आप सब जगत में व्यापक होके सबको नित्य ही प्राप्त हैं। ऋतम वदिष्यामि। जो आपकी वेदस्थ यथार्थ आज्ञा है, उसी को मैं सबके लिए उपदेश और आचरण भी करूंगा। सत्यम वदिष्यामि। सत्य बोलूं, सत्य मानूं और सत्य ही करूंगा। तन्माम अवतु। सो आप मेरी रक्षा कीजिए। तद्वक्तारम अवतु। सो आप मुझ आप्त सत्य वक्ता की रक्षा कीजिए, कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी ना हो। क्योंकि जो आपकी आज्ञा है वही धर्म, और जो उसके विरुद्ध वही अधर्म है। अवतु माम अवतु वक्तारम। यह दूसरी बार पाठ अधिकार्थ के लिए है। जैसे कश्चित कश्चित प्रति वदति त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ, इसमें दो बार क्रिया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहाँ कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात धर्म से सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसमें तीन बार शांति पाठ का यह प्रयोजन है कि त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में तीन प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक, जो आत्मा शरीर में अविद्या रोग द्वेष मूर्खता और ज्वर पीड़ा आदि होते हैं। दूसरा आदि भौतिक, जो शत्रु व्याघ्र और सर्प आदि से प्राप्त होता है। तीसरा आदि दैविक अर्थात जो अति वृष्टि अति शीत अति उष्णता
मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिए, क्योंकि आप ही कल्याण स्वरूप सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक मुक्षों को कल्याण के दाता हैं। इसलिए आप स्वयं अपनी करुणा से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित कीजिए कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को छोड़ के परम आनंद को प्राप्त हों और दुखों से पृथक रहें। सूर्यात्मा जगतस्तु षष्ठवा। इस यजुर्वेद की वचन से जो जगत नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्तुषः अप्राणी अर्थात स्थावर जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने से और स्वप्रकाश रूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। अतः सातत्य गमने इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। यतति व्याप्नोति स आत्मा। जो सब जीवादि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। परश्च वासावात्मा च या आत्मभ्यो जीवेभ्यो सूक्ष्मेभ्यो परोति सूक्ष्मः स परमात्मा। जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है, इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। या ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः। जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ जिसके तुल्य कोई भी ना हो उसका नाम परमेश्वर है। शुं अभिशवे शुं प्राणी गर्भ विमोचने इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशवः प्राणिर्गर्भ विमोचनम् चोत्पादनम् यश्चराचरम् जगत् सुनोति सुते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः। जो सब जगत की उत्पत्ति करता है इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। दिवु क्रीड़ा विजी किशा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त व्यवहार सब चेष्टा के साधनों पर साधनों का दाता स्वयं प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक प्रशंसा के योग्य आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा कामना के योग्य और ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। अथवा यो दिव्यति क्रीडति स देवः। जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता व सब क्रीड़ाओं का आधार है। विजी गीशते स देवः। जो सबका जीतने हारा स्वयं अजी अर्थात जिसको कोई भी जीत ना सके। व्यवहार यति स देवः। जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जानने और उपदेष्टा
यश्चराचरम जगत द्योतयति, जो सबका प्रकाशक यह सुतो यति स देवः, जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य और निंदा की योग्य ना हो, यो मोदयति स देवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता है, जिसको दुख का लेश भी ना हो, यो माद्यति स देवः, जो सदा हर्षित शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक रखने वाला, यह स्वापयति स देवः, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता, यह मायते काम्यते वा स देवः, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं, तथा यो गच्छति गम्यते वा स देवः, जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। कुबीक आच्छादने, इस धातु से कुबेर शब्द सिद्ध होता है। यः सर्वं कुम्भति स्वव्याप्त याच्छादयति स कुबेरो जगदीश्वरः, जो अपनी व्याप्त से सबका आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम कुबेर है। पृथु विस्तारे, इस धातु से पृथ्वी शब्द सिद्ध होता है। यः पर्थति सर्वं जगत् विस्तृणाति तस्मात् स पृथ्वी, जो सब विस्तृत जगत का विस्तार करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम पृथ्वी है। जलाघातने, इस धातु से जल शब्द सिद्ध होता है। जलति घातयति दुष्टान संघातयति अव्यक्त परमाण्यवादीन तद्ब्रह्म जलम्, जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योन्य संयोग का वियोग कराता है, वह परमात्मा जल संजक कहता है। काश्री दीप्तौ, इस धातु से आकाश शब्द सिद्ध होता है। यः सर्वतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः, जो सब ओर से जगत का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आकाश है। अदभक्षणे, इस धातु से अन्न शब्द सिद्ध होता है। अद्यतेति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते अहमन्नमहमन्नमहमन्नम् अहमन्नादोहमन्नादोहमन्नादः अत्ताचराचर गृहाणात्। यह व्यास मुनि कृत शारीरिक सूत्र हैं, जो सबको भीतर रखने सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत का ग्रहण करने वाला है, इससे ईश्वर के अन्न अन्नाद और अत्ता नाम हैं, जो इसमें तीन बार पाठ है सो आदर के लिए है। जैसे गूलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत की अवस्था है। वस निवासे, इस धातु से वसु शब्द सिद्ध हुआ। वसन्ते भूतानि यस्मिन् अथवा यः सर्वेषु वसति स वसुरीश्वरः, जिसमें सब आकाशादि भूत बसते हैं और जो सब में वास कर रहा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम वसु है। रुधिर अश्रु विमोचने, इस धातु से णिच प्रत्यय होने से रुद्र शब्द सिद्ध होता है। यो रोदत्या न्यायकारिणो जनान स रुद्रः,
जो दुष्ट कर्म करने हारों को रुलाता है। इससे उस परमेश्वर का नाम रुद्र है। यन्मनसा ध्यायति यद्वाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति यत्कर्मणा करोति तद्भी संपद्यते। यह यजुर्वेद की ब्राह्मण का वचन है। जीव जिसका मन में ध्यान करता है उसको वाणी से बोलता है, जिसको वाणी से बोलता है उसको कर्म से करता है, जिसको कर्म से करता है उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्याय रूपी व्यवस्था से दुख रूप फल पाते हैं तब रोते हैं, और इसी प्रकार ईश्वर उनको रुलाता है। इसलिए परमेश्वर का नाम रुद्र है। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरा सुनवाह तायदस्यायनं पूर्वं तेना नारायणः स्मृतः। जल और जीवों का नाम नारा है। वे अयन अर्थात निवास स्थान है जिसका, इसलिए सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम नारायण है। चदि आह्लादे, इस धातु से चंद्र शब्द सिद्ध होता है। यश्च वंदति चंदयति वा सा चंद्रः, जो आनंद स्वरूप और सबको आनंद देने वाला है, इसलिए ईश्वर का नाम चंद्र है। मगी गत्यर्थ का धातु से मंगे लच, इस सूत्र से मंगल शब्द सिद्ध होता है। य मंगति मायति वासा मंगलः, जो आप मंगल स्वरूप है और जब जीवों के मंगल का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम मंगल है। बुध अवगमनी, इस धातु से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुध्यते बोध्यति वासा बुधः, जो स्वयं बोध स्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम बुद्ध है। बृहस्पति शब्द का अर्थ कह दिया। ईशुचिर पूति भावे, इस धातु से शुक्र शब्द सिद्ध हुआ है। यह शुच्यति शोचयति वासा शुक्रः, जो अत्यंत पवित्र और जिसके संग से जीव भी पवित्र होता है, इसलिए ईश्वर का नाम शुक्र है। चरा गति भक्षणयो हो, इस धातु से शयनस अव्यय उपपद होने से शनेश्वरा शब्द सिद्ध हुआ है। यह शनैश्चरति स शनैश्वरः, जो सब में सहज से प्राप्त धैर्यवान है, इससे उस परमेश्वर का नाम शनैश्वरा है। रह त्यागी, इस धातु से राहु शब्द सिद्ध होता है। यो रहति परत्यजति दृष्टान राहयति त्याजयति स राहुरीश्वरः, जो एकांत स्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं है, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छुड़ाने हारा है, इससे परमेश्वर का नाम राहु है। कित निवासी रोगा पनायने च, इस धातु से केतु शब्द सिद्ध होता है। यह केतयति चिकित्सति वासा केतुरीश्वरः, जो सब जगत का निवास स्थान सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में
सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम केतु है। यजा देव पूजा संग तीकरण दानेशु, इस धातु से यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यज्ञो वै विष्णु, यह ब्राह्मण ग्रंथ का वचन है। यो यजति विद्विद्भिरिज्यते वासा यज्ञः, जो सब जगत के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वानों का पूज्य है और ब्रह्मा से लेके सब ऋषि मुनियों का पूज्य था, है और होगा, इससे उस परमात्मा का नाम यज्ञ है, क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। हु दाना दनयो हो आदानी चेत्ये के, इस धातु से होता शब्द सिद्ध हुआ है। यो जुहोति सा होता, जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इससे उस ईश्वर का नाम होता है। बंध बंधने, इससे बंधु शब्द सिद्ध होता है। यह स्वास्मिन् चराचरं जगत् बध्नाति बंधुर्वद्धर्मात्मनाम्, सुखाय सहायो वा वर्तते सा बंधुः। जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे और सहोदरों के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते, जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है, वैसे ही परमेश्वर भी पृथ्वी आदि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से बंधु संजक है। पारक्षणे, इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान् सा पिता, जो सबका रक्षक जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, इससे उसका नाम पिता है। यह पितृणां पिता सा पितामह, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। यह पिता महानाम पिता सा प्रपितामह, जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। यो मीमीते मानयति सर्वान् जीवान् स माता, जैसे पूर्ण कृपायुक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है, इससे परमेश्वर का नाम माता है। चरा गति भक्षणयो हो आम पूर्वक, इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचारम ग्राह्यति सर्वा विद्या बोधयति सा आचार्य ईश्वरः, जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम आचार्य है। गृह शब्दे, इस धातु से गुरु शब्द बना है। यो धर्म्यान् शब्दान् गृणात्युपदिशति स गुरुः, स पूर्वेषामपि गुरु काले नावच्छेदात्। जो सत्य धर्म प्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करता, सृष्टि की आदि में अग्नि वायु आदित्य अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु, जिसका नाश कभी नहीं होता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम गुरु है। अजा गति क्षेपणायो हो जनी प्रादुर्भावे,
इन धातुओं से अजा शब्द बनता है। योजति सृष्टि प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्राक्षिपति जानाति कदाचिन्न जायते सोजः। जो सब प्रकृति के अवयव आकाश आदि भूत परमाणुओं को यथा योग्य मिलाता, शरीर के साथ जीवों का संबंध करके जन्म देता और स्वयं कभी जन्म नहीं लेता, इससे उस ईश्वर का नाम अजा है। बृह ब्रीही वृद्धौ इन धातुओं से ब्रह्मा शब्द सिद्ध होता है। योखिलं जगन्निर्माणेन बर्हति वर्धयति सा ब्रह्मा। जो संपूर्ण जगत को रच के बढ़ाता है, इसलिए परमेश्वर का नाम ब्रह्मा है। सत्यं जानामनन्तं ब्रह्म संतीति संतस्तेषु सत्सु साधु तत्सत्यं यज्जानाति चराचरं जगज्ञानं न विद्यते अन्तो वधिर्मर्यादा यस्य तदनन्तं सर्वेभ्यो बृहत्वाद् ब्रह्म। जो पदार्थ हों उनको सत कहते हैं, उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम सत्य है। जो जानने वाला है इससे परमेश्वर का नाम ज्ञान है। जिसका अंत अवधि मर्यादा अर्थात इतना लंबा चौड़ा छोटा बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनंत है। दूदाई दानी आंग पूर्वक इस धातु से आदि शब्द और नय पूर्वक अनादि शब्द सिद्ध होता है। यस्मात् पूर्वं नास्ति परं चास्ति च आदिरित्युच्यते न विद्यते आदि कारणं यस्य सोनादिरीश्वरः। जिसके पूर्व कुछ ना हो और परे हो उसको आदि कहते हैं। जिसका आदि कारण कोई भी नहीं है, इसलिए परमेश्वर का नाम अनादि है। तू नदी समृद्धौ आंग पूर्वक इस धातु से आनंद शब्द बनता है। आनंदन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वान् जीवान् आनंदयति स आनंदः। जो आनंद स्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनंद को प्राप्त होते और सब धर्मात्मा जीवों को आनंद युक्त करता है, इससे ईश्वर का नाम आनंद है। असा भुवि इस धातु से सत शब्द सिद्ध होता है। यदस्ति त्रिषु कालेषु नः भाद्यते तत्सत् ब्रह्म। जो सदा वर्तमान अर्थात भूत भविष्यत वर्तमान कालों में जिसका बाध ना हो उस परमेश्वर को सत कहते हैं। चिति संज्ञाने इस धातु से चित्त शब्द सिद्ध होता है। यश्चेतति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जनान् योगिनस्तच्चित् परं ब्रह्म। जो चेतन स्वरूप सब जीवों को चिताने और सत्य असत्य का जानने हारा, इसलिए उस परमेश्वर का नाम चित है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। यो ध्रुवो चलो विनाशी स नित्यः। जो निश्चल अविनाशी है सो नित्य शब्द वाच्य ईश्वर है। शुद्ध शुद्धौ इससे शुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः। जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पृथक और सबको शुद्ध करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम शुद्ध है। बुध अवगमनी
इस धातु से कृत प्रत्यय होने से बुद्ध शब्द सिद्ध होता है। यो बुद्धवान सदैव जातास्ति स बुद्धो जगदीश्वरः। जो सदा सबको जानने हारा है इससे ईश्वर का नाम बुद्ध है। मुचली मोचनी इस धातु से मुक्त शब्द सिद्ध होता है। यो मुंचति मोचयति वा मुमुक्षुं स मुक्तो जगदीश्वरः। जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है इसलिए परमात्मा का नाम मुक्त है। अतः एव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावो जगदीश्वरः। इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। निर और आंग पूर्वक टूकृण करने इस धातु से निराकार शब्द सिद्ध होता है। निर्गता आकारात्स निराकारः। जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। अंजु व्यक्तिम लक्षणा कांति गतिषु इस धातु से अंजन शब्द और निर उपसर्ग के योग से निरंजना शब्द सिद्ध होता है। अंजनम व्यक्तिर्मलक्षणम कुकामा इंद्रयै प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गताः पृथक् भूताः स निरंजनः। जो व्यक्ति अर्थात आकृति मिलिच्छाचार दुष्ट कामना और चक्षुरादि इंद्रियों के विषयों के पथ से पृथक है इससे ईश्वर का नाम निरंजन है। गण संख्याने इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रकृत्यादयो जड़ा जीवाश्च गण्यन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है इससे उस ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। यो विश्वमेष्टे सा विश्वेश्वरः। जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस परमेश्वर का नाम विश्वेश्वर है। यः कूटे नेका विधा व्यवहारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्था परमेश्वरः। जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होके भी किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम कूटस्थ है। जितने देव शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही देवी शब्द के भी हैं। परमेश्वर की तीनों लिंगों में नाम है जैसे ब्रह्मा चितिरीश्वरश्चेति। जब ईश्वर का विशेषण होगा तब देव, जब चिति का होगा तब देवी। इससे ईश्वर का नाम देवी है। शक्ति शक्तौ इस धातु से शक्ति शब्द बनता है। यः सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति सा शक्तिः। जो सब जगत के बनाने में समर्थ है इसलिए उस परमेश्वर का नाम शक्ति है। श्रेय सेवायाम इस धातु से श्री शब्द सिद्ध होता है। यः श्रीयते सेव्यते सर्वेणैव जगता विद्विद्भिर्योगेभिश्च स श्रीश्वरः। जिसका सेवन सब जगत विद्वान और योगी जन करते हैं उस परमात्मा का नाम श्री है। लक्ष दर्शनांकनय हो इस धातु से लक्ष्मी शब्द सिद्ध होता है।
यो लक्ष्यति पश्यतंकति चिन्नयति चराचरं जगतात्वा वेदेराप्तेर्योगीभिश्च यो लक्ष्यते सा लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः। जो सब चराचर जगत को देखता चिन्हित अर्थात दृश्य बनाता, जैसे शरीर के नेत्र नासिका और वृक्ष के पत्र पुष्प फल मूल पृथ्वी जल के कृष्ण रक्त श्वेत मृतिका पाषाण चंद्र सूर्यादि चिन्ह बनाता तथा सबको देखता सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्र व धार्मिक विद्वान योगियों का लक्ष्य अर्थात देखने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। श्री गतौ इस धातु से सरस, उससे मतुप और गिम प्रत्यय होने से सरस्वती शब्द सिद्ध होता है। सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चितौ सा सरस्वती। जिसको विविध विज्ञान अर्थात शब्द अर्थ संबंध प्रयोग का ज्ञान यथावत होवे, इससे उस परमेश्वर का नाम सरस्वती है। सर्वाः शक्तयो विन्दन्ते यस्मिन् स सर्वशक्तिमानीश्वरः। जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम सर्वशक्तिमान है। णी प्रापणी इस धातु से न्याय शब्द सिद्ध होता है। प्रमाणेरर्थ परीक्षणम् न्यायः। यह वचन न्याय सूत्रों पर वात्सायन मुनिकृत भाष्य का है। पक्षपात राहित्याचरणम् न्यायः। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पक्षपात रहित धर्म रूप आचरण है, वह न्याय कहता है। न्याया कर्तुम शीलामस्य स न्यायकारीश्वरः। जिसका न्याय अर्थात पक्षपात रहित धर्म करने ही का स्वभाव है, इससे उस ईश्वर का नाम न्यायकारी है। दया दान गति रक्षणा हिंसा दानेषु इस धातु से दया शब्द सिद्ध होता है। दयति ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यया वणी दया विद्यते यस्य सा दयालुः परमेश्वरः। जो अभय का दाता सत्यासत्य सर्व विद्याओं का जानने सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला है, इससे परमात्मा का नाम दयालु है। द्वैर्भावो द्वाभ्यामितं सा द्विताद्वितं वा सैव तदेव वा द्वैतं न विद्यते द्वैतं द्वित्वेश्वर भावो यस्मिंस्तद्वैतम्। अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्यं ब्रह्म। दो का होना वा दोनों से युक्त होना वह द्विता वा द्विता अथवा द्वैत से रहित है। सजातीय जैसे मनुष्यों का सजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य से भिन्न जाति वाला वृक्ष पाषाण आदि है। स्वागता अर्थात शरीर में जैसे आँख नाक कान आदि अवयवों का भेद है, वैसे दूसरे स्वजातीय ईश्वर विजातीय ईश्वर व अपने आत्मा में तत्वांतर वस्तुओं से रहित एक परमेश्वर है, इससे परमात्मा का नाम अद्वैत है। गुण्यन्ते ये ते गुणा वा यैर्गणयन्ते ते गुणाः यो गुणेभ्यो निर्गताः स निर्गुण ईश्वरः।
जितने सत्व रज तम रूप रस स्पर्श गंध आदि जड़ के गुण अविद्या अल्पज्ञता राग द्वेष और अविद्या आदि क्लेश जीव के गुण हैं, उनसे जो पृथक है इसमें अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द स्पर्श रूप आदि गुण रहित है इससे परमात्मा का नाम निर्गुण है। यो गुणैः स वर्तते स सगुणः जो सबका ज्ञान सर्व सुख पवित्रता अनंत बल आदि गुणों से युक्त है इसलिए परमेश्वर का नाम सगुण है। जैसे पृथ्वी गंध आदि गुणों से सगुण और इच्छा आदि गुणों से रहित होने से निर्गुण है वैसे जगत और जीव के गुणों से पृथक होने से परमेश्वर निर्गुण और सर्वज्ञ आदि गुणों से सहित होने से सगुण है। अर्थात ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से पृथक हो। जैसे चेतन के गुणों से पृथक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से सहित होने से सगुण वैसे ही जड़ के गुणों से पृथक होने से जीव निर्गुण और इच्छा आदि अपने गुणों से सहित होने से सगुण ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिए। अंतर्यन्तो नियन्तो शीलं यस्य सोयम् अंतर्यामी जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। यो धर्मे राजते स धर्मराजः जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिए उस परमेश्वर का नाम धर्मराज है। यमु उपरमे इस धातु से यम शब्द सिद्ध होता है। यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः जो सब प्राणियों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता है और सब अन्यायों से पृथक रहता है इसलिए परमात्मा का नाम यम है। भज सेवायाम इस धातु से भगा इससे मतुप होने से भगवान शब्द सिद्ध होता है। भगः सकलैश्वर्या सेवना वा विद्यते यस्य स भगवान जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसलिए उस ईश्वर का नाम भगवान है। मना जाने इस धातु से मनु शब्द बनता है। यो मन्यते सा मनु जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है इसलिए उस ईश्वर का नाम मनु है। प्रीपालना पूर्णयो इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। यः स्वव्याप्त्या चराचरं जगत् प्रणाति पूरयति वासा पुरुषः जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है इसलिए उस परमेश्वर का नाम पुरुष है। दुभ्रीय धारणा पोषणायो विश्व पूर्वक इस धातु से विश्वंभर शब्द सिद्ध होता है। यो विश्वं बिभर्ति धरति पोषणाति वासा विश्वंभरो जगदीश्वरः जो जगत का धारण और पोषण करता है इसलिए उस परमेश्वर का नाम विश्वंभर है। कला संख्याने इस धातु से काल शब्द बना है। कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः जो जगत के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसलिए उस परमेश्वर का नाम काल है। शिश्री विशेषणे
इस धातु से शेष शब्द सिद्ध होता है। यह शिष्यते सा शेषः, जो उत्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात बचा रहता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शेष है। आपले व्याप्तौ, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वे धर्मात्म भीराप्यते छलादि रहितः स आप्तः। जो सत्य उपदेशक सकल विद्यायुक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य छल कपट आदि से रहित है, इसलिए उस परमात्मा का नाम आप्त है। डूक्रीं करणे, शम पूर्वक इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ है। यह संकल्याणं करोति सा शंकरः, जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है, इससे उस ईश्वर का नाम शंकर है। महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव शब्द सिद्ध होता है। यो महताम देवः स महादेवः, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। प्रिय तर्पणे कांतौ च, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह पूर्णाति प्रियते वासा प्रियः, जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना के योग्य है, इसलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। भूसत्तायाम, स्वयं पूर्वक इस धातु से स्वयं भू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवति सा स्वयं भूरीश्वरः, जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इससे उस परमात्मा का नाम स्वयं भू है। कुशब्दे, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्द्यति सर्वा विद्याः स कविरीश्वरः, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। शिवु कल्याणे, इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम एतत निर्दशम धातु पाठी चुरादि गणे, इससे शिवु धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम शिव है। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे ही उसके अनंत नाम भी हैं। उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है, इससे ये नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी ना लिखा ना किया। ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ के आदि मध्य और मध्य अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा।
इसलिए मंगलाचरणं शिष्टाचारात् फलदर्शनाच्युतितश्चेति, यह सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्य आचार का करना ही मंगलाचरण है, ना कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महाशय महर्षियों के लेख को, यान्यन्नावद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यह तैतरीय उपनिषद का वचन है। हे संतानों, जो अनवद्य अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है वे ही तुमको करने योग्य है, अधर्मयुक्त नहीं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गाये नमः, बटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायण नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं, इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता, और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आता है। देखो, अथ शब्दानुशासनम्, अथेत्ययम् शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, यह व्याकरण महाभाष्य। अथा तो धर्म जिज्ञासः अथेत्य यानन्तेर्ये वेदाध्ययनानन्तरम्, यह पूर्व मीमांसा। अथा तो धर्म व्याख्यास्यामः अथेति धर्म कथानानन्तरम् धर्म लक्षणम् विशेषणः व्याख्यास्यामः, यह वैशेषिक दर्शन। अथा योगानुशासनम् अथेत्ययमधिकारार्थः, यह योग शास्त्र। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः, सांसारिक विषय भोगानन्तरं त्रिविध दुखात्यंत निवृत्त्यर्थः प्रयत्नः कर्तव्यः, यह सांख्य शास्त्र। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा चतुष्टया साधना संपत्त्यनन्तरं ब्रह्म जिज्ञास्यम्, यह वेदांत सूत्र है। ओम इत्येतदक्षरमुदगीतमुपासीत, यह छांदोग्यो उपनिषद का वचन है। ओम इत्येतदक्षरमिदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानम्, यह मांडुक्य उपनिषद के आरंभ का वचन है। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथा शब्द लिखे हैं, वैसे ही ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं, और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ही ओम लिखते और पढ़ते हैं, यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं।
वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं, इसलिए ओम वा अथा शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा, इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते।